किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी टर्म को ना आप लोग को दोनों में समझना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है? और कोई कोई भी एक लोग और इसको पढ़े, कंप्यूटर में डाटा अक्षरों अल्फाबेट विशेष चिन्हों, कौन पढ़ रहा है? नाम बेटा, नाम क्या आपका? सर कृति। हाँ पढ़िए। स्पेशल कैरेक्टर्स तथा अंकों न्यूमेरिक में हो सकता है, अतः इन्हें अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। डाटा में प्रत्येक अक्षर चिन्ह या अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब जितने सारे कंप्यूटर के होते हैं फंक्शन, उन फंक्शन को काम कराने के लिए कभी न कभी कोड लिखा गया होगा, समझ गए? कंप्यूटर में, मोबाइल में आप जो भी काम करते हैं ना, वो काम किसके थ्रू होता है? ओएस के थ्रू। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया। और ये जितने एंड्रॉयड और विंडोज है, जितने आपके पास एंड्रॉयड और विंडोज है, ये सब कोडिंग में लिखा गया होगा। कंप्यूटर में आप या मोबाइल में जितना भी आप काम करते हैं ना, वो सब का सब होता है एक प्रोग्रामिंग से, सॉफ्टवेयर से। और प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर बनता है कोडिंग के थ्रू ही। कोडिंग क्या बता रहा है कि कोडिंग में अल्फा भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, या कोई सिंबल भी हो सकता है। जब भी हम कोई कोडिंग टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो तीनों में हो सकता है, अल्फाबेट्स में भी, न्यूमेरिक में भी, और सिंबल में। सिंबल का मतलब चिन्ह में। इसके पहले आप लोग बेसिक, क्यू बेसिक, एचटीएमएल, पीएचपी, जावा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े हैं, उसमें आपने कोडिंग किया है। और उस कोडिंग में कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट्स भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है, और सिंबल भी होता है, समझ गए? तो कोड, कोड बस एक स्पेशल टर्म है, स्पेशल वर्ड है, जिसमें हम अपने बात को वहां पे लिखते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए, समझ गए? जैसे आपका पिन है ना, पिन जो आप डालते हैं मोबाइल में, पासवर्ड, पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, पैटर्न हो गया, वो सभी क्या, वो सभी एक कोड है, समझ गए? और इस कोडिंग को बस दो लोग समझता है, कोई भी कोडिंग है। पहला जो कोडिंग को लिख रहा है, जो कोडिंग को लिख रहा है, और दूसरा कौन समझता है, जिसपे वो लिखा जा रहा है, मतलब कंप्यूटर को। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में कोई भी लगाते हैं पासवर्ड ना, जब पासवर्ड हम लगाते हैं तो पासवर्ड इज लाइक एज अ कोडिंग। तो जब मोबाइल में हम लगाते हैं पासवर्ड, तो वो कोडिंग सिर्फ कौन जानता है? मैं, मतलब जो पासवर्ड को लगा रहा है, और दूसरा वो मोबाइल जिसपे वो पासवर्ड लग रहा है, बाकी और कोई नहीं जान सकता उसको, समझ गए? यस सर। तो कोडिंग हमेशा हाइड होता है, हाइड का मतलब एक छिपा हुआ, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक और सिंबल्स, जो सिर्फ दो दो लोग उसको समझ पाते हैं। पहला जो उसको राइट कर रहा है, जो उसको लिख रहा है, और दूसरा जिसपे वो लिखा जा रहा है, मतलब आपका डिवाइस। दोस्तों आपके पास जरूर कोई ना कोई स्मार्टफोन होगा, और आप उसमें बहुत सारी चीजें भी सर्च करते होंगे। आपने बहुत सारी वेबसाइट भी अपने स्मार्टफोन में चलाई होगी। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ये वेबसाइट और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? ये बनते हैं कोडिंग करके, जिसको कि एक डेवलपर है समझ सकता है और बना सकता है कंप्यूटर और मोबाइल में। देखो इसमें लिखा ना क्लियर एकदम, कि जो भी हम मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी आप चलाते हैं, तो उसको चलाने के लिए किसकी पड़ती है जरूरत? एक सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का। अब वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनता किससे? कोडिंग से। और कोडिंग को राइट करने के लिए, सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आज हम यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी को बोलने के लिए, समझने के लिए हमको हिंदी पढ़ना पड़ा होगा ना। इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, हिंदी बोलना है हिंदी समझना या पढ़ना पड़ेगा। क्या हम चाइनीज बोल पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाइनीज हम पढ़े ही नहीं है, बात समझ गए? और इसमें लिखा है कि जिसको एक डेवलपर ही समझ सकता है। अभी मैंने क्या बताया,
कोडिंग वही समझेगा जो उसको लिख रहा है और जिस पे वो लिख रहा है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पढ़ो। कंप्यूटर और मोबाइल में आजकल हर किसी की दिलचस्पी होती है और आजकल हर कोई समय के साथ चलना चाहता है। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज को सीखने और करने की रुचि रखते हैं तो पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखना होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आ रहा है समझ में सबको? यदि आपको कोडिंग सीखना है तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। yes. समझ गए? और जब आप प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे ना, उसी प्रोग्रामिंग से आप कोडिंग करके, मतलब कोडिंग लिख के, कोडिंग क्या होता है मैंने बताया आपको, कोडिंग एक स्पेशल टर्म होता है जिसको हम न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और सिंबल में हम राइट करते हैं, टाइप करते हैं। और जो सिर्फ समझता कौन है, डेवलपर, मतलब जो उसको बना रहा है, जो उसको लिख रहा है वो समझेगा, और जिसके ऊपर, जिस मशीन के ऊपर वो लिख रहा है वो समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई नहीं समझ सकता। जस्ट लाइक आपका पासवर्ड पिन, आप पासवर्ड लगाते तो क्या पूरा दुनिया उसको देख लेता है, समझ पाता है? बिल्कुल नहीं। जो पासवर्ड को लगाता है वो, और जिस मोबाइल पे लगा रहा है वो, दो लोग सिर्फ उसको समझ पाते हैं। जब तक आप आगे वाले को बताएंगे नहीं तब तक कोई समझ नहीं पाएगा उसको। समझ गए बेटा? तो आज आप सिर्फ ये समझिए, कोडिंग हमको पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? ओके सर। बिल्कुल, आओ देखो नीचे। हाँ, नीचे वाला पढ़ो। हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और वो सभी स्मार्ट डिवाइस जिनका उसे हम करते हैं, उन सभी में प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्रामर बहुत मेहनत करके कोई भी प्रोग्राम को बनाता है। वेबसाइट से लेकर स्टार्ट तक के बिना प्रोग्रामिंग और कोडिंग के कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां लिखा है मेहनत करके, मेहनत। जैसे आपको, आप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, उन सबको चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसमें प्रोग्रामिंग यूज हुआ होगा, और उस प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, तैयार करने के लिए बहुत लगता है मेहनत। बात समझ गए? मतलब कि कोडिंग सीखने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप कुछ भी आप बना सकते हैं। जब बनाएंगे तो आप किसी बड़े से बड़ी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, खुद का आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट का, सॉफ्टवेयर का, आप खुद का कंपनी भी आप ओपन कर सकते हैं, और क्लाइंट को आप सॉफ्टवेयर बना के उसको आप बेच सकते हैं। स्कूल में आपका जो भी फी रसीद निकलता है वो निकलता है सॉफ्टवेयर से ही, जो भी आपका बनता है मार्कशीट वो सब निकलता है सॉफ्टवेयर से ही। बात समझ गए? जो भी आप चलाते हैं मोबाइल वो सब चलता है सॉफ्टवेयर से ही, जो भी आप आज के डेट में वेबसाइट पढ़ रहे हैं वो सब बनता है सॉफ्टवेयर से ही। हम लोग पढ़ रहे हैं जूम, है ना, जूम जूम एक सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन भी है, और ये बना होगा कोडिंग से ही। अब जूम वाला, आज के डेट में जूम का जो मालिक होगा कितना पैसा कमा रहा होगा, क्यों? पूरी दुनिया जूम को यूज कर रही है ऑनलाइन स्टडी में।
तो पैसा तो कमा रहा होगा ना वो। यस सर। अब सोचो कोडिंग करके आप कितना कुछ कर सकते हैं, बट आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, कोडिंग सीखना पड़ेगा। बात समझ गए? कोडिंग में जिसका इंटरेस्ट आ गया, कोडिंग में जिसका इंटरेस्ट आ गया, अच्छे से पढ़ लिया, वो कुछ भी कर सकता है। आप फॉरेन में आप जा सकते हैं, इंडिया के अलावा आप फॉरेन में जाके आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये आईटी सेल है, आईटी फील्ड है, बहुत सारा स्कोप है इसमें। बात समझ गए? कोडिंग। अब मैं आपको आपको मैं सर्च कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे? यार सबको दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। अभी इसके इसमें अभी इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका जो आप पढ़े होंगे? नहीं, मैंने बताया क्यू बेसिक, बेसिक कौन कौन पढ़ा है इसमें? बेसिक, क्यू बेसिक, देखो यहाँ पे बेटा। यस सर। यहाँ पे दिया ये सबका सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब स्क्रिप्ट प्रोग्राम, जावा, पर, सी, फोर्टान, लेटेक्स, मशीन लैंग्वेज, HTML। इसके बाद भी और क्या क्या होता है? एक हो गया बेसिक, हो गया पीएचपी, हो गया पाइथन, हो गया पाइथन, ये सब क्या है? ये सब का सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है। अब जो मैं कल से मैं आपका क्लास आपका परसों है ना, तो परसों से आपका कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम आपको कोडिंग करना सिखाएंगे डायरेक्ट टॉप से।